साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। रोज ये सेशन 9 बजे रात्रि में होता है दोस्तों। अभी बढ़िया सा ऑफर आ गया है, नवरात्रि ऑफर आ गया है। आप 1200 में 12 महीने दोस्तों हिंदी साहित्य निरंतर अध्ययन कर सकते हैं, वो भी ट्रिक से, ठीक है। आपको दोस्तों हिंदी साहित्य को बहुत बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो आज ही इस वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स 1200 रुपये इस वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जिनको PDF परचेस करनी है वो PDF परचेस कर सकते हैं। जिनको दोस्तों 10,000 प्रश्नों हिंदी साहित्य में प्रैक्टिस करनी है वो 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। जिनको पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर चाहिए वो 599 में मॉडल पेपर ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे हैं दोस्तों, यहाँ पर हिंदी साहित्य डेली टेस्ट भी है, हिंदी साहित्य निचोड़ नोट्स भी हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। और जिन भी साथियों को न्यू बैच में दोस्तों भाग लेना है, वो 15 अप्रैल से नया बैच चालू होने वाला है, तो नए बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के जो ट्रिकी नोट्स हैं अपने घर पर बाई पोस्ट के माध्यम से दोस्तों घर पर मंगवाना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और अपने घर पर दोस्तों ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी साथी आज ही एडमिशन लें। ये 1500 वाला कोर्स आपको 1200 में 12 महीने का एक कोर्स आप ऑफर है, नवरात्रि ऑफर है, और साथ ही 15 अप्रैल से न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सभी साथी दोस्तों जिनको भी पढ़ना है वो पढ़ें। और आपका दोस्तों आपको बताना है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, जल्दी से बताएंगे। और एक बार जल्दी से लाइक भी करना है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है सभी लोग बताएं, सब्सक्राइब कर ले सभी साथी, और एक बार बेल आइकन को भी दबा दें। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, फारसी का है, अरबी का है, हिंदी का है, या फिर उर्दू का है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 47 नंबर के क्वेश्चन में, और 47 में आप लोगों ने बताया कि सर जो मुहावरा है ये अरबी भाषा का है, क्योंकि मुहावरा तो कितने होते हैं, बोले सर अरबों मुहावरा है ना, आपने पढ़े होंगे, तो अरबों मुहावरा है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होगा, अरबी भाषा का, यानी कि उत्तर आपका यहां पर बी नंबर चला जाएगा, ठीक है। इसको भी अपन को याद कर लेना है। अब यहां पर आते हैं, उर्दू किस भाषा का शब्द है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 48 नंबर का क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बता पाता है, उर्दू किस भाषा का शब्द माना जाता है। रीना मंडियाल जी, मलकित जी, अनीता सिंह जी, कमला कांत जी, सभी लोग बताएंगे, बुल्डोजर बाबा जल्दी से बताइए उर्दू किस भाषा का शब्द है। और बहुत सारे लोग बता रहे कि सर जो उर्दू है ये तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की, यानी कि आपका जो ए नंबर है ये नंबर आपका सही हो जाएगा। उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द माना जाता है, और ये जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। कुछ लोग बी लगा रहे थे, यहां पर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, हिंदी शब्द बताना है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, बहुत ही बढ़िया, आज तो हम लेकर ही आए हैं क्वेश्चन, यहां से आते हैं। मोहित जी बताइए, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो दोस्तों 2100 रुपये पे कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है, और आप अपना पता मुझे व्हाट्सएप पर और स्क्रीनशॉट पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, बाई पोस्ट आपके घर ये नोट्स पहुंचाए जाएंगे। हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है, 49 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, तो आपका यहां पर उत्तर देखते हैं, सही नंबर बता रहा है कि सर हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। देखो यहां पर डी नंबर जिन्होंने बताया कि सर हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, ये याद कर लेना, हिंदी फारसी का है, उर्दू तुर्की का है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ये 3 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और 1200 में 12 महीने का ऑफर आ चुका है सभी लोगों के साथ, नवरात्रि ऑफर, ठीक है। और दोस्तों 15 अप्रैल से न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो जिन भी साथियों को न्यू बैच में एडमिशन लेना है ले सकते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तो वो बताना है जल्दी से। तन्मय जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी लोग बताएंगे,
50 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बताया कि सर उन्हें तत्सम कहा जाता है, तत्सम यानी ए नंबर कहा जाता है। शिवानी ठाकुर जी के नोट्स पहुंच गए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद शिवानी जी। नील कमल में उत्तर पद कमल बताना है, खाली स्थान है दोस्तों, विशेष है, विशेषण है, विशेष विशेषण है या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया रश्मि पाठक जी, ठीक है। तो आप भी मंगवा सकते हैं नोट्स, बहुत सारे साथियों के नोट्स उनके घर पहुंच चुके हैं दोस्तों। नील कमल में उत्तर पद कमल क्या है बताइए, उत्तर पद कमल क्या है ये बताना है। मंजीत जी, हरप्रीत जी, निशा सिंह जी, 51 नंबर का क्वेश्चन और 51 नंबर में आपका यहां पर नील और कमल, तो कमल यहां पर क्या है, कमल बताना है। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि कमल यहां पर क्या है, विशेष है, विशेष, और विशेषण क्या है, नील, नील यानी कि नीला है जो कमल, तो नील यहां पर विशेषण है और कमल यहां पर विशेष है, और विशेषण विशेष के संयोग को दोस्तों क्या कहते हैं, कौन सा समास हो जाएगा यहां पर, साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 52 नंबर का क्वेश्चन है, साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। 52 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, जल्दी से फटाक से कमेंट में लिखना है यहां पर राइट आंसर आपका क्या जा रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए उत्तर क्या है। साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, तो सभी लोगों ने बताया है यहां पर कि सर जो साप्ताहिक शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण है। बहुत ही बढ़िया, बी नंबर राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है बताओ, लोग, गण, वर्ग या फिर प्रेस, समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है, 53 नंबर का क्वेश्चन बताएं। लाइक कर दो सभी साथी, शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक एक बार, सोनू के एम जी, सुनीता रानी जी, सभी लोग शेयर कर दो 53 नंबर के क्वेश्चन में। और समूहवाचक नहीं है, लोक तो है, गण भी है, वर्ग भी है, समूहवाचक कौन सा नहीं है, तो उत्तर चला जाएगा प्रेस यानी कि डी नंबर, डी नंबर करेक्ट राइट आंसर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, 54 नंबर का क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, कुसुम, चप्पल, लिखावट या फिर सुमन, तो बताएं किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। डॉक्टर रिंकी वर्मा जी, अमित सिंह जी, सभी लोग बताएंगे यहां पर प्रत्यय से किसकी हुई है, बुल्डोजर बाबा बताएं, सृष्टि ठाकुर जी, मंजू यादव जी, लाइक करना यहां पर 54 नंबर का क्वेश्चन है और आपका सही आंसर आ गया कि सर लिखावट की जो रचना हुई है वो प्रत्यय से हुई है, यानी कि आपका सी नंबर। आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, वो अलंकारों के नाम भी आपको बताना है, बताइए कमला कांत जी, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। इतने अच्छे क्वेश्चन आपको दोस्तों यहां पर आ रहे हैं कि आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता पाता है, कौन कौन इसमें नहीं बता पाता है। और राइट आंसर जा रहा है कि सर आचार्य भरत ने 4 अलंकार बताए हैं, 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, यानी कि आपका जो बी नंबर है ये बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। और आपको बताना कि वो अलंकार कौन कौन से हैं, 4 अलंकार बताओ। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 56 नंबर का क्वेश्चन, ये छोटे छोटे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार तो आपने पढ़ा है, लेकिन आपको बताना कि ये कितने प्रकार का होता है, ऐसा भी आपको बताना है, बताइए। उपमा, रूपक, दीपक और यमक, बिल्कुल सही आंसर आ गए हैं आप लोगों के, बताइए यहां पर राइट आंसर चयन करना है। और अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं ये क्वेश्चन, यानी कि 56 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, 56 नंबर में आपका राइट आंसर, देखते हैं कौन बता पा रहा है सही, बिल्कुल सही बताया है शांति वर्मा जी, कमला कांत, पूजा देवी जी की, सर ए नंबर में लगा दो, 5 होते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद, कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी से, ए नंबर तो आपका यहां पर राइट आंसर है। जब किसी अत्यंत प्रशंसर
के लिए कोई बात बहुत प्रशंसा के लिए, कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है ये बताना है। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि जहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है बताएंगे। कोई अनुप्रास अलंकार के पांच भेद किसको पता है, 57 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया 57 नंबर का, बताएं। और एक बार लाइक भी कर दो सभी साथी, शेयर भी कर देना भाइयों, 57 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया और वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अर्था अलंकार है, अर्थालंकार कौन सा है, अनुप्रास, यमक, शेलेश या फिर उपमा। आपने शब्दालंकार भी पढ़े हैं दोस्तों, आपने अर्थालंकार भी पढ़े हैं, अब यहां पर बताना कि कौन सा अर्थालंकार है, अर्थालंकार कौन सा है बताइए जल्दी से। बबीता देवी जी, अशोक प्रजापति जी, 58 नंबर के क्वेश्चन में यहां पर अर्थालंकार कौन सा है, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। और यहां पर बताया मुकेश शुक्ला जी ने, बताओ रश्मि पाठक जी ने, बिल्कुल सही है, आंसर है आपका उपमा, उपमा अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, 59 में बताइए लवली ठाकुर जी, अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताओ। रोली सिंह जी, पिंकी बाला जी, दीपा रानी जी, सभी लोग बताएंगे। कमला कांत जी ने बताया छे का वृत्या श्रुत्या है ना, बिल्कुल लाटा, ये सभी दोस्तों पांच भेद माने जाते हैं अनुप्रास के, बहुत बढ़िया। अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अलका ठाकुर जी बताना है आपको, लाइक कर देना और एक बार जल्दी से बताइए अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। 59 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये अतनु का पर्यायवाची है कामदेव, कामदेव सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सरोज रावल जी, सरस्वती का पर्यायवाची बताइए। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है, तिरकी नोट्स मंगवाना है, वो अपने घर मंगवा सकते हैं दोस्तों। एक ऐसा नोट्स जो दोस्तों आपको किसी एक बुक में नहीं मिलने वाला, किसी दो चार बुक में इतना मटेरियल नहीं मिलने वाला, इतना क्रमबद्ध नहीं मिलने वाला, इतना दोस्तों बहुत अच्छा और बहुत अच्छी ट्रिक नहीं मिलने वाली, ऐसे नोट्स आप अपने घर मंगवा सकते हैं, ठीक है। मात्र 2100 रुपए पे करना है दोस्तों उसमें, और आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे देना है, नीचे नंबर चल रहा है, और अपना पता पूरा देना है, एक सप्ताह के अंदर आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे। सरस्वती का पर्यायवाची यानी कि 60 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, और आपका उत्तर हो रहा है कि सर उपरोक्त सभी बाघ, शारदा, भारती ये सभी माने जाते हैं। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 61 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर माया राम जी, लाइक आंसर करते हुए शेयर जरूर करिए। इच्छा का पर्यायवाची आपको बताना है, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन, 61 नंबर का क्वेश्चन, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। और इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची होता है आकांक्षा, आकांक्षा यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा होता है, निम्न में से स्वधामिनी का पर्यायवाची नहीं है। स्वधामिनी का पर्यायवाची क्या नहीं है, बिजली, चंचला, क्षण प्रभा, सिलीमुख, कौन सा नहीं है बताओ। स्वधामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सोमपाल जी, पुष्पा जी, ममता जी, क्या है यहाँ पर राइट आंसर, स्वधामिनी का पर्यायवाची नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया अनिल कुमार जी, और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर स्वधामिनी 62 नंबर का क्वेश्चन है, और उत्तर हो जाएगा सिलीमुख, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर है, ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही है। खंडहर की आत्माएं, इसके रचनाकार कौन है, 63 नंबर का क्वेश्चन है। दीपा जी बताएं, खंडहर की आत्माएं
सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाया करें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे जब क्लास स्टार्ट हो। तो बताएं, तो खंडहर की आत्माएं के रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दीपक जी, रजनी जी, सभी लोग बताएं। और लाइक करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। खंडहर की आत्माएं इसके रचनाकार कौन है, 63 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर खंडहर की आत्माएं कभी कभी जोश में आ जाती हैं, जोश में आ जाती हैं। तो ईलाचंद्र जोशी, ठीक है, ये नंबर, कितना बड़ा झूठ ये कहानी किसकी है, कितना बड़ा झूठ ये कहानी किसकी है, ममता कालिया की, उषा प्रियंबदा की, मनु भंडारी की, मृदुला गर्ग की, कितना बड़ा झूठ ये बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 64 नंबर के क्वेश्चन में एक बार लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, कितना बड़ा झूठ बताएं। तन्मय जी, उषा प्रियंबदा या फिर ममता कालिया, देखते हैं कौन कौन यहां पर बता रहा है, बताएं 64 नंबर के क्वेश्चन में बताएं। रेणु कुमारी जी, मंजू यादव जी, अरुण राजपूत जी, मोहित जी, और आपने बताया है कि सर कितना बड़ा झूठ, ये जो उत्तर हो जाएगा ये किसका दोस्तों, ये किसकी कहानी है, कितना बड़ा झूठ बताइए जल्दी 64 नंबर में। और बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया कि सर इसमें बी लगा दो, उषा प्रियंबदा, उषा प्रियंबदा यानी कि बी नंबर, कितना बड़ा झूठ, ठीक है। तो सही आंसर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए। यहां पर अगला क्वेश्चन है कोठरी की बात, बताइए कोठरी की बात ये बताना है, लाइक आंसर बताइए जल्दी से और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों सभी लोग। कोठरी की बात ये इसके रचनाकार कौन है, जल्दी बताओ, कोठरी की बात इसके रचनाकार कौन है, जल्दी जल्दी से बताना और एक बार लाइक भी कर देना। हमारे सभी मित्र इसी प्रकार से जुड़े रहें, लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। कोठरी की बात आपसे पूछा गया है तो बिल्कुल सही उत्तर यहां पर लगाना है अपन को, राइट आंसर है कि सर कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए, अज्ञे रहनी चाहिए, अज्ञे यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, याद हो कि ना याद हो, संस्मरण के रचनाकार कौन है, याद हो कि ना याद हो, मैंने आपको कई बार बताया है याद हो कि ना याद हो, है ना। घातक फिल्म देखी होगी आपने शनि देओल की, है ना, कांतिया क्या बोलता है कि तुम्हें याद हो कि ना काशिनाथ, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कल से तुम मेरी गिरफ्त में काम करोगे काशिनाथ, तो याद हो कि ना याद हो काशिनाथ, ठीक है। तो काशीनाथ से क्या हो जाएंगे, काशीनाथ सिंह का ये संस्मरण है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। जिनके साथ जिया, संस्मरण के लेखक कौन है, जिनके साथ जिया, 67 नंबर का क्वेश्चन, जिनके साथ जिया, संस्मरण के लेखक कौन है, तेज बहादुर चौधरी, प्रतिभा अग्रवाल, मृदुला गर्ग, अमृतलाल नागर, बताओ। अनिल कुमार जी, राइट आंसर चयन करना है, सो सभी लोग बताएंगे 67 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जिनके साथ जिया वो कौन है, जिनके साथ जिया वो कौन है, अमृत, अमृत हैं, अमृतलाल नागर हैं, यानी कि डी नंबर आपका सही है, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर। मैं और केवल मैं एकांकी के रचनाकार कौन है, मैं और केवल मैं एकांकी के रचनाकार कौन है, भगवती चरण वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या फिर जैनेन्द्र कुमार। मैं और केवल मैं, मैं और केवल मैं एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, पूर्वी बताइए जल्दी से। राइट आंसर 68 नंबर का क्वेश्चन है, 68 में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं और केवल मैं, बोले सर मैं और केवल मैं भगवती के दर्शन करने जाऊंगा, भगवती के चरणों में जाऊंगा, ठीक है, मैं और केवल मैं, कोई नहीं जाएगा, ठीक है, तो केवल मैं जाऊंगा भगवती के चरणों में, ये नंबर आपका सही है, ये नंबर राइट आंसर है,
ठीक है, बहुत बढ़िया मीना कुमारी जी। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास ये किसकी रचना है? स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास ये किसकी रचना है? अनामिका, सूर्यबाला, प्रभा केतान या फिर रमणिका गुप्ता, बताइए स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? राइट आंसर बताना है। रावंत जी, आशा, अशोक, प्रजापति सी, सभी लोग बताएंगे। 69 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया 69 में, और आपका उत्तर है कि सर स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास की जो लेखिका है वो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से उत्तर हो जाएगा रमणिका गुप्ता, यानी कि डी नंबर। डी नंबर सही लगाया पूजा जी, वेरी गुड। आचार्य शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? आलोचना दर्श है, समालोचक है, काव्य में रहस्यवाद है या फिर कविता क्या है? ये है, आप बताएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? 70 नंबर के क्वेश्चन में, 70 नंबर में आपको बताना है। लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है सभी साथी, जल्दी जल्दी से इस सेशन से जुड़े रहें दोस्तों। रोज रात्रि एग्जाम पार में भी दोस्तों आपकी क्लास होती है, वो भी आप लोग देखा करें, ठीक है? एग्जाम पार में है ना, उसमें भी आपके लिए हिंदी में प्रैक्टिस करवाई जाती है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया बढ़िया सा, उसका जवाब आपका आना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर चला गया कि सर वो उत्तर है काव्य में रहस्यवाद, सी नंबर, काव्य में रहस्यवाद। सैद्धांतिक पूछा तो काव्य में रहस्यवाद लगाना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष इसके लेखक कौन है? नई कविता का आत्मसंघर्ष 71 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ 71 नंबर के क्वेश्चन में नई कविता का आत्मसंघर्ष के रचनाकार कौन है? 71 का उत्तर, और एक बार लाइक भी करना है नई कविता का आत्मसंघर्ष इसके लेखक कौन है, बताइए फटाफट से। नई कविता का आत्मसंघर्ष है ना, बोले सर नई कविता आत्मसंघर्ष कर रही है कि हमारी मुक्ति हो जाए, है ना? तो नई कविता क्या कर रही है? आत्मसंघर्ष कर रही है, किस लिए? मुक्ति के लिए। आप लोग तो कर रहे हैं मुक्ति के लिए, बोले सर हम आत्मसंघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए, मुक्ति के लिए नहीं अभी। तो ये सी नंबर, मुक्ति बोध सी नंबर बिल्कुल सही है। पंत की कौन सी छायावादी रचना नहीं है? छायावादी रचना नहीं है पूछा है, युगवाणी, ग्रंथि, वीणा या फिर पल्लव, जल्दी से बताइए। सो कितने साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, संपर्क कर सकते हैं आप लोग और नोट्स मंगवा सकते हैं, आपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं। और जिन भी साथियों को लाइव कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप 1200 में 12 महीने और 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट है, तो सभी साथी शुरुआत से पढ़ने का दोस्तों सौभाग्य मिलेगा। पंत की कौन सी छायावादी रचना नहीं है? तो आपको पता है कि सर युगवाणी, युगवाणी इनकी छायावादी रचना नहीं है, ये तो इनकी प्रगतिवादी रचना है, ठीक है? तो ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। कुवासी, कुवासी किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, कुवासी के रचनाकार कौन है? कुवासी की रचना आपको बतानी किसने की है? हरप्रीत जी, मंजू जी, वंदना जी, अमन, अमन जी, सभी लोग बताएंगे 73 नंबर के क्वेश्चन में। एक बार लाइक भी करते चलो सभी साथी, राजीव जी, मोहित जी, सही आंसर यहां पर कुवासी किसकी रचना है ये आपसे पूछा गया 73 नंबर में, और 73 का आंसर जा रहा है कि सर कुवासी पूछा है तो आप बालकृष्ण शर्मा नबील लगा देना, डी नंबर लगा देना, ठीक है? बिल्कुल सही बताया है माया राम जी, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे माना जाता है? इतना अच्छा और सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बताइए मधु धिम्मन जी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुमकुम जी, सभी साथियों को जरूर बता दे कि 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिनको भी एडमिशन लेना, हिंदी साहित्य को रेगुलर करना है, रेगुलर अध्ययन करना है तो आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे माना जाता है? 74 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला जाएगा क्या माना जाता है प्रथम प्रयोगशाला? झरना को। अब झरना तो आपने बता दिया कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन इसका रचना काल क्या है ये भी आपको बताना है, बताइए। राज रानी जी, विश्वास मलिक जी, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये, ये पंक्ति किसकी है बताएं जल्दी से। ओपी सिंह जी, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये,
ये जो पंक्ति है किसकी मानी जाती है और लाइक भी कर दो। जगदीश जी, गीता खलील जी, राजरानी जी, ठीक है बिल्कुल राजरानी जी ले लिया आपका नाम, ठीक है उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदु की पंक्ति है, रसखान के बारे में इन्होंने कही थी। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 76 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है भारतेंदु को, प्रेमघन राधा कृष्ण दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त को, बताएं। सीताराम जी, प्रेमा जी 76 नंबर के क्वेश्चन में, और 76 नंबर में आपका उत्तर हो रहा है कि सर आधुनिक हिंदी काव्य का जो वैतालिक कहा जाता है वो भी भारतेंदु को ही कहा जाता है, ये नंबर बिल्कुल सही बताया अशोक प्रजापति जी। दारसु शर्मा जी, हो होरी किसकी कृति है, 77 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, फटाक से बताना है। पलविंदर जी, अंजना जी, हो होरी ये बताना है, चयन करना है कि ये कृति किसकी है 77 नंबर के क्वेश्चन में, 77 नंबर का क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर हो होरी इसके रचनाकार हैं, बताओ कौन बता रहा है। सबसे पहले 77 में सी बताया बुल्डोजर बाबा ने, अंबिका दत्त व्यास दोस्तों सी नंबर, भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। हो होरी मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है, मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक कौन है, रतिपाल जी, बिंदु लता जी बताइए, अनुराग जी, भावना जी, आकाश जी, रश्मि जी बताएं, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है, रामचंद्र शुक्ल का, महादेवी वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विश्वंभर विश्वनाथ प्रसाद का, किसका है, कमलाकांत जी, मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक कौन है, 78 नंबर का क्वेश्चन है। पूजा राणा जी, ओम प्रकाश जी बताइए 78 नंबर में, और दोस्तों सभी लोग लाइक जरूर कर दें, मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकाल में हमें धर्म साधना हजारों बार करना है, मध्यकाल में धर्म साधना कितनी बार करना है, हजारों बार करना है भैया, ठीक है याद रख लेना। आपको पता है कि ये तीन अवस्थाएं, एक तो बचपन, एक दोस्तों जवानी और एक बुढ़ापा, ठीक है ये जो जवानी है ये मध्यकाल है अपना जवानी, और इस जवानी में हमें हजारों बार धर्म साधना करना है, इस बुढ़ापे का कोई निश्चित नहीं है कि इस बुढ़ापे तक आप पहुंच पाते हो कि नहीं, तो इस जवानी में ही कर लो धर्म साधना, तो मध्यकाल में हमें धर्म साधना हजारों बार करनी है, ठीक है। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है, जल्दी बताओ, भूत के पांव पीछे बताएं, 79 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, लाइक करना है, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केपी सक्सेना, 79 नंबर का क्वेश्चन है, 79 नंबर में सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, और बिल्कुल सही आंसर जा रहा है सरोज जी कि सर ये जो है हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है, बी नंबर आपका, हरिशंकर परसाई को आप जानते हैं, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, बताओ किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, भावात्मक निबंधों में, वर्णात्मक निबंधों में, विवरणात्मक निबंधों में, या फिर विचारात्मक निबंधों में, बताएं किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, यह पूछा गया है सभी लोगों से, जल्दी बताओ। और 80 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि सर बुद्धि तत्व प्रमुख होता है विचारात्मक निबंधों में, यानी कि डी नंबर दिख रहा है, डी नंबर विचारात्मक, सही बात, सही लगाया है बहुत सारे लोगों ने। विचार प्रवाह की रचनाकार कौन है, मैंने कई बार आपको बताया है विचार प्रवाह इसके रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए फटाफट से, विचार प्रवाह के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर, बताएं जल्दी से, विचार प्रवाह फटाफट से बताना है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर हजारों बार विचार का प्रवाह होता है, हजारों विचारों का प्रवाह होता कि नहीं होता, हजारों विचार का प्रवाह होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनाने के लिए दोस्तों सुझाव दिया था, अच्छा क्वेश्चन है, जो आप लोग लिखते हो ना रोमन लिपि है ना, हिंदी को इंग्लिश में लिखते हो,
इंग्लिश के वर्णों में लिखते हो हिंदी को, वो रोमन लिपि कहलाती है ना। तो बताइए, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनाने का सुझाव किसने दिया था? 82 नंबर का क्वेश्चन है, 82 में आपको उत्तर बताना है। और आपका उत्तर चला गया सुनीति कुमार चटर्जी ने, ये नंबर करेक्ट आंसर, ये नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, देवनागरी लिपि है कैसी लिपि है? वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक है या फिर अक्षरात्मक है? देवनागरी कैसी लिपि मानी जाती है दोस्तों, बताएं देवनागरी लिपि कैसी मानी जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक कर दो सभी साथी। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं दोस्तों, संपर्क कर सकते हैं, नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि कैसी लिपि मानी जाती है? 83 नंबर का क्वेश्चन है, 83 में आपको बताना है। और वो लिपि मानी जाती है दोस्तों कैसी? अक्षरात्मक लिपि। यानी कि आपका उत्तर डी बिल्कुल सही है, डी नंबर लगाया आपने, राइट आंसर लगाया। रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? आपको पता है दोस्तों कि आचार्य विश्वनाथ ने रीति काल को 3 काव्य धाराओं में बांटा था और रीति काल को इन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया था, श्रृंगार काल नाम दिया था। ठीक है, और इन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये 3 काव्य धाराओं में इस काल को बांटा था। ठीक है, विश्वनाथ ने, तो यहां पर रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है ये आपको बताना है। ठीक है अर्चना जी, कौन सा टेस्ट लेना है आपको? यहां पर 84 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता हो गया कि सर रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी, बिहारी जिन्होंने गागर में सागर भर दिया था। ठीक है, जिनकी रचना बिहारी सत्सई, और बिहारी सत्सई का रचना काल बताएगा कोई? जल्दी से बताओ, अविदा उत्तम काव्य और मध्य लक्षणा लीन, ये पंक्ति बताना है दोस्तों, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? बिहारी पद्माकर मतिराम देव, ये पंक्ति पूछी जाती है, 85 नंबर का क्वेश्चन है, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, पूछी भी जाती है 85 में। अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, ये पंक्ति किसकी है बताइए? रीनु कुमारी जी, राइट आंसर बताना है। डीके जी, अनुराग जी, सही आंसर। तो उत्तर जा रहा कि सर देव कवि की रचना है, यानी कि देव जो हैं रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम था देवदत्त इटावा के थे दोस्तों। ठीक है, ये भी पता चल गया। नेक्स्ट है, रस रहस्य के रचनाकार कौन है? रस रहस्य, ये बताओ रस रहस्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे, एक बार शेयर भी कर दो अपने सभी साथी, अपने साथीगण मित्रों को दोस्तों, रस रहस्य के रचनाकार बढ़िया तरीके से पूछा गया। लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दो सेल्फ स्टडी क्लासेस में। और 15 अप्रैल से दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस न्यू बैच में एडमिशन के लिए आपको मात्र 1200 फीस भरनी है, वैलिडिटी 12 महीने की रहेगी, लाइव क्लासे चलेंगी, प्लस दोस्तों आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे, हर संडे को भी टेस्ट होगा। ठीक है, रस रहस्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और आपका उत्तर चला गया कि सर ये कुलपति, रस का रहस्य तो कुलपति को पता होता है, कुल के प्रमुख को होता है, कुलपति को प्रमुख है ना। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना बताइए? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। हिंदी के अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं स्वयंभू, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं रामकुमार वर्मा, जिनका जन्म 1905 में हुआ था। इन्होंने 1938 में एक ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, ये याद कर लेना, यहाँ पर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल, कौल मैंने याद भी करवाया था इसको, ट्रिक से भी याद करवाया था दोस्तों। आपको बताना है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ है, गोरखनाथ है, बताइए बताइए। दीपक कुमार जी, कौल ज्ञान निर्णय निरंतर अध्ययन करो भैया, अगर कमजोर हो तो निरंतर अध्ययन करो। सीमा जी ठीक है, तो बताइए। रतिपाल जी, यहां पर कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ।
जालंधर नाथ, गोपी चंद्र, मतेंद्र नाथ। तो 88 नंबर का क्वेश्चन है, 88 में सीधा उत्तर है कि सर मच्छंदर नाथ। मच्छर क्या करते हैं? कॉल कॉल के खाते हैं, कॉल कॉल। ठीक है, डी नंबर, पंच पांडव चरित रास के रचनाकार कौन है? पंच पांडव चरित 89 का आंसर। 89 में अर्णव जी बताइए, बताएं, विवेक यादव जी, रेखा त्रिपाठी जी, जेएस जी बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? राही जी, पंच पांडव चरित के रचनाकार। 89 का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पंच पांडव चरित के रचनाकार कौन है? राइट आंसर आपको चेंज करना है दोस्तों। उत्तर जा रहा है कि सर पंच पांडव कैसे थे? शक्तिशाली थे, शक्तिशाली थे, पंच पांडव की नहीं थे, पांच पांडव शक्तिशाली थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, और आपका उत्तर जा रहा है यहां पर शालीभद्र सूरी, ये नंबर। ठीक है, पुस्तक जल्लड़ हत्य दे चली गज्जन रबकाज में बताना है कि ये पंक्ति किस से कहां से ली गई है, बताओ किस ग्रंथ से ली गई है, बताइए। पुस्तक जल्लड़ हत्य दे चली गज्जन रबकाज बीसल देव रासो से ली गई है, हमीर रासो से, पृथ्वीराज रासो से, या फिर विजयपाल रासो से? सुषमा जी बताइए, सीमा जी, उत्तम कुमार जी, बताना है आपको, लेखिका सिंह जी। उत्तर हो जाएगा कि सर ये पुस्तक जल्लड़ हत्य दे पृथ्वीराज रासो, यानी कि सी नंबर सही है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा है, मोहन राकेश है, भीष्म सायनी है, या फिर विनोद रस्तोगी है? रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन, 91 नंबर का क्वेश्चन है, और उत्तर जा रहा है आपका कि सर रंग दे बसंती चोला है ना, रंग दे बसंती चोला पूछा गया। पुष्पा देवी जी, राजीव जी, बिंदु लता जी, सही आंसर जा रहा भीष्म साहिनी, यानी कि आपका जो सी नंबर है भीष्म साहिनी, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार है भीष्म साहिनी, सी नंबर। ठीक है, भुवनेश्वर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर ऐतिहासिक नाटक के लिए है, समस्या नाटक के लिए है, सामाजिक नाटक के लिए है, या फिर असंगत नाटक के लिए है, बताओ। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर प्रसाद के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, तनु जी बताइए, अनूप जी, संदीप विश्वकर्मा जी, भुवनेश्वर के बारे में बताना है। प्रमिला सिंह जी, विकास भाटी जी, भुवनेश्वर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? और आपका उत्तर आ रहा है कि सर जो भुवनेश्वर प्रसाद हैं ये असंगत नाटक, असंगत नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। डी नंबर बताया है बीनू सरोज जी ने, बिल्कुल सही है डी नंबर, रमा शर्मा जी ने। नेक्स्ट, किस शब्द में दिगु समास है, बताओ? दिगु समास किस में है? दोपहर में, नीलकंठ में, कनफटा में, या फिर मंद बुद्धि में? सभी से बनेगा लगभग, दिगु समास किस में है ये पूछा गया है। 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे कितने साथी हैं जिनको एडमिशन लेना है? नया बैच शुरुआत से हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल, ये शुरुआत से पढ़ने को मिलेगा। तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी, और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, वो नोट्स अपने घर मंगवा सकते हैं। ठीक है, संपर्क करना है आपको। दोपहर में दिगु समास है, किस क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बताओ? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट करना है, और एक बार लाइक करके शेयर भी कर देना। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओम प्रकाश जी लाइक करिए जल्दी से, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तारण जी, यहां पर 94 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, और उत्तर हो जाएगा यहां पर देशवासी। देशवासी में बहुव्रीहि समास नहीं है, वसुंधरा, हिरण्यगर्भ, सहवाहिनी, ये है। तो डी नंबर आपने क्लिक लगाया है, डी नंबर सही है। राम वृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, बताओ? यात्रा वृत्त कौन सी कृति है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर मेरी यूरोप यात्रा। राम वृक्ष बैनीपुरी का यात्रा वृत्त कौन सा है? पूनम जी बताइए, और लाइक भी करना है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, 95 का सही आंसर क्या है? और बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग डी बता रहे हैं, लेकिन ये पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा व्रत है इनका,
और उड़ते चलो उड़ते चलो। सी नंबर करेक्ट आंसर, राइट, वेरी गुड। उड़ते चलो उड़ते चलो यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? उड़ते चलो उड़ते चलो, बताइए। दारसु जी, पुष्पा जी बताइए, सुशील जी, 96 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे उड़ते चलो उड़ते चलो यात्रा वृत्त इसके रचनाकार कौन है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लाइक कर दें सभी साथी, शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। उड़ते चलो उड़ते चलो 96 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी और वृक्ष पर बैठ जाओ, ठीक है। एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथा बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? कथा बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नदी SSB है, डूबते मस्तूल, ऐ पतबंधु था, या फिर धूम केतु एक श्रुति। एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथा बनाकर लिखा गया दोस्तों, यहां पर एक उपन्यास है वो कौन सा है? 97 नंबर का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है दोस्तों, यह पतबंधु था नरेश मेहता। नरेश कैसे बन गया? ये जो है एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को लिखा गया है देहाती दुनिया, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? देहाती दुनिया के लेखक कौन है? निराला जी हैं क्या? शिव पूजन सहाय हैं? बताइए जल्दी जल्दी से, देहाती दुनिया के लेखक कौन माने जाते हैं? अस्क हैं, प्रेमचंद जी हैं, कौन माने जाते हैं? लाइक कर दो सभी साथी, लवली जी, बीनू जी, पुष्पा जी। और देहाती दुनिया में शिव ही पूजन, शिव की पूजन ही सहाय होती है। देहाती दुनिया में शिव की पूजन ही सहाय होती है, बी नंबर शिव की पूजन सही है। तरुण के स्वप्न के लेखक कौन है दोस्तों? 99 नंबर का क्वेश्चन है। तरुण का स्वप्न क्या होता है? तरुण मतलब होता है युवा, और युवा का स्वप्न क्या होता है? कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगी, यानी ठीक है आजादी दूंगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, ये तरुण के स्वप्न, इनकी आत्मकथा, इसके लेखक है। बी नंबर कहीं ना जाए का कहिए, कहीं ना जाए का कहिए, इसके लेखक कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, कहीं ना जाए का कहिए इसके लेखक कौन है, ठीक है। अब हमारे जितने भी साथी हैं, जिसको भी कोर्स लेना है, अगर आपको PDF कोर्स लेना है तो आप PDF परचेस कर सकते हो, आप हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, तो ये वाला जो कोर्स है इसमें आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक ये हिंदी साहित्य का अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, 1500 में 12 महीने था, अभी ऑफर है नवरात्रि ऑफर, तो 1200 में 12 महीने इस ऑफर को आप ले सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर दोस्तों परचेस कर सकते हैं मॉडल पेपर में, ठीक है, 599 में इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स जिनको भी मंगवाना है वो ट्रिकी नोट्स मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है। घर बैठे संपर्क करना है आपको, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। रावंत जी, पुष्पा, सुशील, बाहुबली, कटप्पा जी, पूनम जी, प्रीति, बुल्डोजर जी, ठीक है, बिल्कुल, शांति जी, राजरानी जी, प्रमोद जी, मंजू जी और कमलाकांत जी हैं, लवली ठाकुर हैं, पूनम जी, मधु धिम्मन जी, सभी साथी पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। और ये जो 15 तारीख से सेशन स्टार्ट होने वाला है, इस सेशन से जरूर जुड़ जाएं, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन से आप जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों लाइक शेयर करते रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद दोस्तों, अध्ययन करें, जय हिंद।